नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग पुलिस ने जिले में हुई 3 चोरियों का किया खुलासा। 2 आरोपियों से किया लाखों का मशरूबा जब्त। नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी। जनता जोगी कांग्रेस ने हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों को दिया समर्थन। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान से मची कांग्रेस में खलबली। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया सचिन पायलट के प्रदर्शन को समर्थन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले दोनों राज्यों में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। जहां एक ओर राजस्थान में सचिन पायलट ने मंगलवार को अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन करने का ऐलान किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि जब आलाकमान की ओर से किए हुए वादे पूरे नहीं किए जाते तो दुख होता है। मैनेज कर पा रहे हैं तभी तो हम सब साथ हैं। मत के अंतर हो सकते हैं, मत अंतर हो सकते हैं और रहते हैं। परिवार है, उसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में मत में अंतर रहता है। पिता माता और पुत्र बेटियों के बीच में मत का अंतर रहता है। ये मत के अंतर रहते हैं, लेकिन परिवार हमारा अभी बना हुआ है। उसमें जिनको एकदम ठीक नहीं लगता है वो अलग घर जाके बसा लेते हैं। ठीक है, समय के साथ सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन राजस्थान में भी जो हो रहा है, मेरे ख्याल से चुनाव के समय सचिन जी को ये लगता होगा कि उनको जवाब देना पड़ेगा मतदाता को कि आपने तो कहा था कि बहुत भ्रष्टाचार है वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय और हम उसकी जांच कराएंगे, और जांच नहीं हुई तो आप क्या कर रहे थे? आप उस सरकार के हिस्से थे, आपने उसके लिए क्या किया? आप हमारे पास वोट मांगने के लिए फिर से आए हो अपने लिए, आपको हम कैसे वोट दें? जो बातों को आपने कहा उनको आपने पूरा नहीं किया। हो सकता है इन परिस्थितियों में उनको लगा हो कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं। वो सरकार के खिलाफ रिवोल्ट मैं नहीं देख रहा हूं, वसुंधरा राजे जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसके लिए उस बात को वो उठा रहे हैं। सरकार उन्हीं की है, वो बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं गहलोत जी को, पर कोई जवाब नहीं आया उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी दिखाई दे रही है साफ तौर पर। स्वाभाविक है, जो मैंने कहा कि पब्लिक का प्रेशर एक अलग रहता है। कुछ लोग रहे होंगे जिनको लगा होगा, सचिन जी को खुद लगा होगा कि उस समय गलत हुआ। एक पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में उनने उस बात को उठाया था। वसुंधरा राजे जी चुनाव हारी, उनकी अगुवाई में बीजेपी चुनाव हारी, यानी जो बातों को उनने उठाया उसका प्रभाव मतदाता के ऊपर पड़ा। और अब जब कांग्रेस की सरकार में सचिन पायलट स्वयं एक एमएलए के रूप में है, सीनियर लीडर के रूप में वहाँ है, मिनिस्टर आज के दिन शायद ना हो लेकिन काफ़ी सीनियर लीडर के रूप में उस गवर्नमेंट में वो शामिल हैं, हाउस में बैठते हैं, तो लोग उनसे पूछेंगे। पर सर, कहीं ना कहीं जो मंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ही जो एमएलए से पहले तो डिप्टी सीएम थे राजस्थान के, वो इस तरह की बातें बोलते हैं सरकार के खिलाफ कि सरकार के पास सबूत है, बावजूद इसके जो डिसीजन है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है वसुंधरा राजे की सरकार ने जो गबन हुआ था। बाकी तो सचिन जी ही बेहतर जवाब दे पाएंगे, मेरे लिए इसमें कुछ कहना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, राजस्थान की बात है, उन्होंने एक इशू को उठाया है, मेरे लिए तो इशू इम्पोर्टेंट है। सचिन जी और गहलोत जी के बीच के जो संबंध हैं, मेरे ख्याल से गहलोत जी भी काफ़ी मैच्योर हैं, ये बात आई है तो वो जरूर बात करके इसमें पहल करेंगे। मैं सवाल इससे आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इस तरह की बातें सचिन पायलट की तरफ से की गई थी, बकायदा कुछ एमएलए का सपोर्ट भी बताया गया था कि हमारे पास इतने एमएलए से सपोर्ट है। अभी चुनाव का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है? कांग्रेस चाहेगी कि संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग साथी उनको बैक करते हैं, अलग अलग इश्यूज रहते हैं जिनको लेके लोगों के बीच में आप जाते हो। अब चुनाव में जाने के पहले फिर आपको उन्हीं मतदाताओं को फेस करना है, तो उनके अनुरूप प्रजातंत्र में अंततः पार्टी माध्यम रहती है।
आधार क्या रहता है, एक हो गया माध्यम काम करने का। आधार क्या है? आधार पब्लिक है। पब्लिक जो निर्णय करेगी वो आपको मौका देगी, माध्यम आपको पार्टी बनेगी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, एनसीपी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, शिवसेना, ये माध्यम है काम करने के। आधार तो मतदाता है, तो बेस आपको मजबूत रखना पड़ेगा। सर, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के खिलाफ ही अनशन करना, कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जाता है, आपको नहीं लगता है? दोनों पक्ष इसके हैं, या तो आप हमेशा चुप बैठे रहो तो जो हो रहा है होने दो, कल कान पकड़ के पब्लिक आपको बाहर करेगी, पार्टी को ही नुकसान होगा ना, पार्टी ही तो हारेगी। तो एक समय के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, ये नहीं है कि मुंह नहीं खोलना, बात ही नहीं करना, किस तरीके से करना वो बात अलग है, एक दायरा उसका चुन के करना वो बात अलग है। तो अभी कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की है ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा, और अगर हाईकमांड को ऐसा महसूस होगा तो सचिन जी को आगाह करेंगे जरूर। आपको लगता है पार्टी विरोध गतिविधियां हैं? आपको पार्टी विरोधी तो गतिविधि नहीं है, तो जनहित के पक्ष में है, और वो विरोध तो वसुंधरा राजे का कर रहे हैं। राहुल जी किसके लिए कह रहे हैं? मोदी जी गलत करने वालों को प्राश्रय दे रहे हैं। सचिन जी क्या कह रहे हैं? राजस्थान में गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जनता कर रही है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। नियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने काम बंद, कलम बंद, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लोगों का जनता जोगी कांग्रेस ने किया समर्थन और प्रदेश के मुख्यमंत्री से की मांग। शासकीयकरण किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश सचिव संघ के द्वारा कलम बंद, काम बंद, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ विगत कई दिनों से जिला पंचायत भवन के सामने आंदोलन जारी रखा हुआ है। इसी कड़ी में पंचायत सचिव ने मांग की थी उन्हें 2 वर्ष की परिवीक्षिका अवधि पूरी होने पर उनका नियमितीकरण किया जाए, किंतु बजट में पंचायत सचिव के शासकीयकरण के संबंध में कोई पहल नहीं किए जाने से छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायत सचिवों में रोष व्याप्त है, जिसके चलते समस्त पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वही पंचायत सचिवों का समर्थन करने जोगी कांग्रेस के ऋषि टंडन धरना स्थल पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों का समर्थन किया और प्रदेश सरकार से मांग की है कि सभी पंचायत सचिव जो 2 वर्ष की परिवीक्षिका पूरी अवधि कर चुके हैं उनका नियमितीकरण जल्द किया जाए। हमारे प्रदेश के भाई बहनी मन, पूरा प्रदेश स्तर में पंचायत सचिव संघ के धरना और हड़ताल होते वो अपन बहुत प्रतीक्षित मांगला लेके हर एक ब्लॉक, हर एक जिला में, पूरा प्रदेश में हड़ताल करते। हमला पार्टी की ओर से अमित जोगी जी के निर्देश में जहाँ जहाँ हम जहाँ जिला में निवास करते वहाँ जाके हमार जो पंचायत सचिव हमार भाई है, बहनी है, मल्ला ओकर सुख दुख के साथ हमार पार्टी खड़े हैं और ओकर दिशा निर्देश में हम पार्टी की ओर से समर्थन दिलान और सर आदरणीय भूपेश बघेल हमार मुख्यमंत्री जी से चाहतन कि प्रदेश के हमार भाई बहनी मन जे मन नियमितीकरण की मांग करते पंचायत सचिव संघ मन है ओकर तत्काल मांगला पूरा करे, तभी छत्तीसगढ़ ला आगू बढ़ाए के जो सपना देखा था वो पूरा हुई, नहीं तो अधूरा रह जाए। हम आप मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल इनकर मांगला जो पूरा करे, दिन रात 16 तारीख से मन हड़ताल में लगे हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज धरना स्थल में बैठे हुए हैं। आज हम लोग को यहाँ बैठे हुए 24वां दिन हो गया है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण। 24 दिन हो गया है लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक कोई भी पहल नहीं किया है और ना ही कोई डेलीगेशन टीम की हमारी वार्ता किया गया है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी, वो छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री हैं। मैं अभी भी उम्मीद से हैं हम लोग कि आज नहीं तो कल हम लोग को वो बुलाएंगे, चर्चा करेंगे और हमारी मांग है, जो जायज मांग है हमारी, उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुखिया द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जो 6 चरणों में संपन्न किया गया, जिसे भिलाई की विजेताओं को पारितोषित प्रदान करते हुए चेक का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के निवासियों को एक सुनहरा मौका अपना हुनर दिखाने का दिया था, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को लेकर छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इसमें हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लेकर अपना हुनर दिखाया। इसी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेताओं को अब पुरस्कार वितरित किया जा रहा है, जिसके तहत भिलाई के विजेता खिलाड़ी एवं टीम को भी पुरस्कार से अलंकृत किया गया, जिसके तहत विजेताओं को प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। विजेताओं को यह चेक नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने प्रदान किया।
देखिए ओलंपिक खेल का छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का आयोजन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर समस्त प्रदेश में किया गया था। इसी तारतम्य में भिलाई निगम क्षेत्र भी माननीय महापौर जी, माननीय विधायक महोदय, माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था, जिसका प्रथम जो चरण था राजीव मितान क्लब चरण था, दूसरा चरण जोन स्तर पर था, तीसरा निकाय स्तर पर था, इसके अलावा जिला स्तर और संभाग स्तर और राज्य स्तर, इस प्रकार के 6 चरण में खेलों को अलग अलग डिवाइड किया गया था, ताकि जो प्रथम चरण था, जो पहला चरण था, उस चरण से जो प्रतिभागी जीतते थे वो उस प्रतिभागी को दूसरे चरण में डाला जाता था। इस प्रकार की सतत प्रक्रिया करते हुए 6वें चरण तक जो है वो प्रतिभागियों ने भाग लेने की कोशिश की थी, लेकिन किसी की टीम जो है विजेता रही, किसी की नहीं रही। जो विजेता रहे वो फाइनल स्टेज तक पहुँच पाए। ऐसे भिलाई निगम क्षेत्र में 2 टीमें थीं जो 100 मीटर की रेस में एक पुरुष जो थे उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर की प्रतियोगिता में 100 मीटर की रेस में अपना विजय हासिल करते हुए उन्होंने भिलाई शहर को गौरवान्वित किया है। इसी प्रकार से जो महिला कबड्डी टीम थी, जो 0 से 18 ईयर के जो बच्चे थे, उनकी टीम के लोग ने राज्य स्तर पर अपना विजय का परचम फैलाया था, जिसको लेकर कि हमारा भिलाई शहर गौरवान्वित हुआ है। और इनको पुरस्कार देने के जो प्रधान जो शासन ने नियत किए गए थे, उसके तहत में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो चेक की राशि वितरित की गई थी, उसको लेकर के जो है जिला स्तर पर जो खेले गए प्रतिभागी थे उनको 2,000 रुपये और राज्य स्तर पर जो विजयी प्रतिभागी थे उनके प्रत्येक टीम को जो है 5,000-5,000 रुपये चेक का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की अपार सफलता को देखते हुए अब अन्य प्रदेश भी ऐसे आयोजनों की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिससे उनके प्रदेश में खेले जाने वाले खेल भी विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000192295 9300540111। नियर एक्सिस बैंक एटीएम। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। Thank you.
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई निगम ने अवैध होर्डिंग्स एवं पोस्टरों को 1018 स्थानों से हटाने की कार्रवाई की है। इसके लिए सभी जोन के राजस्व विभाग की टीम मैदान पर है। अब तक 1018 से अधिक अवैध होर्डिंग पोस्टर हटाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 18 नग लोहे का अवैध पोल भी जब्त किया गया है। संपत्ति विरूपण के तहत निगम भिलाई द्वारा पूरे शहर भर में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत नेशनल हाईवे, प्रमुख सड़कों, ओवरब्रिज तथा अंडरब्रिज से अवैध होर्डिंग पोस्टर को हटाने का काम किया जा रहा है। और भी अन्य सड़कों को टारगेट करते हुए अवैध होर्डिंग पोस्टर हटाए जाएंगे। निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर नेहरू नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। शहर में कई सारे अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर बिना अनुमति के लगाए हुए थे, इन्हें हटाया गया तथा कई होर्डिंग्स प्रवेश द्वार पर लगे हुए थे, इन्हें भी आवश्यक संसाधनों के माध्यम से हटाया जा रहा है। निगम की टीम प्रतिदिन अवैध होर्डिंग एवं पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई कर रही है। अब बेतरतीब होर्डिंग पोस्टर के हटाने से शहर सुंदर दिखने लगा है। वहीं राहगीरों के लिए भी रास्ता सुगम हो रहा है। भिलाई शहर में अवैध होर्डिंग पोस्टर लगाने वालों को संपत्ति विरूपण के मामले में नोटिस जारी की जा रही है। उन्हें अपने स्वयं से होर्डिंग पोस्टर को हटाने की चेतावनी भी दी जा रही है। संपत्ति विरूपण को लेकर भिलाई निगम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जितने भी जो जोन क्षेत्र हमारे अंतर्गत आते हैं, जैसे 5 जोन क्षेत्र नगर पालिका निगम भिलाई में है, उनकी जो अधिकारियों की टीम है वो उनको एक सिरे से एक टीम बना करके एक विशेष अभियान के तहत में जो है संपत्ति विरूपण की कार्यवाही के तहत जो पोल में लगे हुए प्रचार सामग्री अवैध रूप से लगे होते हैं, जैसे आपके पोस्टर हो गए, बैनर हो गए और इस प्रकार के छोटे होर्डिंग हो गए और जो भी प्रचार सामग्री हैं, उनको जो शहर में दिखने में बेतरतीब लगते हैं और अवैध रूप से लगे हुए होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए होते हैं, बिजली पोल में लगे हुए होते हैं, अंडरब्रिज ओवर ब्रिज में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इन सभी पर जो है एक बड़ा अभियान जो है नगर पालिका निगम भिलाई ने छेड़ दिया है और माननीय आयुक्त महोदय ने इसको लेकर सख्त निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। और इसको लेकर के जो है MIC में भी इसको जो है उन्होंने फैसला लिया है, संपत्ति विरूपण पे जो भी यदि उसकी अवहेलना करता है इसको लेकर के, तो इस प्रकार के संपत्ति विरूपण के अधिनियम के तहत में जो भी कार्रवाई निगम प्रशासन के द्वारा की जानी होती है उसको लेकर के पूरे फील्ड में, पूरे क्षेत्र में अब बड़ा अभियान चला करके पोस्टर और बैनर इन लोगों को निकालने का काम नगर पालिका भिलाई के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि अवैध होर्डिंग पोस्टर लगाने वालों को स्वयं से हटाने नोटिस जारी किया जा रहा है और फिर भी नहीं हटाने वालों पर निगम कार्रवाई कर रही है तथा अवैध होर्डिंग एवं पोस्टर को हटाने के साथ साथ इसकी जब्ती भी बनाई जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला अंतर्गत 3 दुकानों में नकबजनी की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों द्वारा बीते माह कुम्हारी क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया गया था। शॉप से लाखों रुपए की ज्वेलरी सहित नकदी रकम लेकर फरार हो गए थे। फिलहाल आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग जिले के कई क्षेत्रों में घूम घूम कर चोरी करने वाले व नकाबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभी भी फरार है। विगत दिनों सिरसा घेट भिलाई 3 क्षेत्र में रात के समय हुई 3 चोरियों के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2.5 लाख के सोने चांदी के जेवर को जब्त किया गया है। आरोपी रायपुर से आकर भिलाई क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। SP द्वारा प्रेस वार्ता लेकर पूरे मामले का खुलासा किया गया। कॉन्फ्रेंस में आरोपी द्वारा अपने पिता के स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर चोरी करना स्वीकारा है। चोरी नहीं किए, 3 चोरी किए, मतलब एक बार खून चढ़ गया, करते चले गए, पुलिस नहीं पकड़ती तो चोरियों की और लाइन लगाए थे। पहली चोरी कहां की आपने? तुम्हारी के शासन की कितनी सारी योजनाएं हैं, स्मार्ट कार्ड की योजना है, आयुष्मान कार्ड का है, खूबचंद बघेल जी स्वास्थ्य योजना है, सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, सब में मुफ्त इलाज होता है। तुम्हारे पिताजी ने क्या लखवा के बाद ये बोला क्या, बेटा जाओ चोरी करो और मेरे लिए पैसा लेके आओ, ऐसा बोला उन्होंने? पहले क्या काम करते थे? स्लीपर लाइन का काम करते थे, ईमानदारी का काम करते थे ना, तो ईमानदारी का काम जा रहा। अच्छा, ये शॉर्टकट जो तुम अपनाते हो ये तो ठीक नहीं है ना।
क्योंकि वो भी एक चोरी नहीं की है, उसमें तीन चोरी किए, मतलब एक बार खून चढ़ गया तो करते चले गए, पुलिस नहीं पकड़ती तो चोरियों की और लाइन लगा हुई। नकबजनी की तीन मामलों का खुलासा किया जा रहा है। ये लोग दुकान के शटर के साइड पेटी को रॉड से फैला देते थे और फिर अंदर घुसते थे और फिर अंजाम देते थे। घटनास्थल में जो CCTV है फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित हुई। एक आरोपी और अभी फरार है और घटना का जो मुख्य आरोपी है और गिरवी रखने वाला दो लोग जो है गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 1.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है और 8 ग्राम सोने के जेवरात और नकदी रिकवर हुआ है। टोटल 2.5 लाख का सामान जो है रिकवर किया गया है। दुर्ग पुलिस को लगातार सफलताएँ मिल रही हैं कि वही सामान रिकवर कर पा रहे हैं जो सामान चोरी हुआ है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण इस चांदी के सामान को गला नहीं पाते हैं, हम तुरंत पकड़। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर आस घटक के अंतर्गत किरायेदारी में निवासरत परिवारों के लिए आवेदन देना निगम ने पुनः प्रारंभ कर दिया है। मंगलवार से नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किराए से निवासरत परिवारों के लिए मकान देने के लिए आवेदन देना निगम ने प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए निगम मुख्य कार्यालय के क्रमांक 16 के आवास एवं गुमटी शाखा से 100 नगद भुगतान देकर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। किरायेदारी में निवासरत परिवारों के लिए सूर्य विहार के पीछे खमरिया अविनाश मेट्रोपोलिस भिलाई जुनवानी कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे खमरिया NR स्टेट खमरिया भिलाई रजत बिल्डर्स शांतिनगर तथा स्वप्निल बिल्डर्स कुरुद भिलाई में 941 निर्माणधीन आवास उपलब्ध है। इनके आवंटन के लिए कार्यवाही की जानी है जिसको देखते हुए मंगलवार से निगम ने आवेदन फॉर्म देना प्रारंभ कर दिया है। किरायेदारी में परिवारों के लिए यह अच्छा मौका होगा कि जो लोग आवेदन ले नहीं पाए थे उन्हें आवेदन लेने का मौका मिलेगा तथा आवास लेने के लिए हितग्राही अप्लाई कर सकेंगे। जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने जानकारी देते हुए बताया कि केवल निगम मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 से ही आवास के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घटक है मोर मकान मोर आस के तहत में जो किरायेदार में जो आवास आवंटन जिनको किया जाना होता है, किरायेदार में जो परिवाररत रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनको आवास आवंटन की कार्रवाई की जानी होती है, जिसको लेकर के निगम ने एक लॉटरी सिस्टम से एक प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। ये दोबारा मौका उनको दिया जा रहा है जो लोग छूट गए रहे होंगे या जिन्होंने किरायेदारी के तहत में जो फॉर्म आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए होंगे या किसी समस्या से वो निगम दफ्तर नहीं पहुँच पाए होंगे या शामिल नहीं हो पाए होंगे, तो वो सारी तमाम प्रक्रियाओं को देखते हुए निगम उनको एक और अच्छा मौका दे रहा है। ऐसे किरायेदारी में लोग जो निवास कर रहे होंगे भिलाई में, वो आवेदन प्राप्त कर सकते हैं आज की तिथि से। 11 अप्रैल जो है उसकी तिथि से यह प्रारंभ हो गई है आवेदन देने की प्रक्रिया, जिसकी एक निर्धारित शुल्क 100 रुपये रखी गई है। आवेदन भर कर जो अंतिम दिन जो देना होगा वो 31 मई निर्धारित की गई है। उस दिन में आपको आवेदन फॉर्म भर कर जमा कर देना होगा क्योंकि वो अंतिम तिथि होगी। तो इसको देखते हुए कोई भी जो भिलाई के जो किरायेदारी में निवासरत जो पात्र हितग्राही होंगे, जो प्राथमिकता की श्रेणी में आते होंगे, उनको आवेदन जो है निगम से लेना होगा। निगम मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 से आवास एवं गुमटी शाखा है, वहां से लेना होगा और आवेदन भरकर उसी शाखा में पुनः जमा करना होगा। तब वो जो आगे की जो प्रक्रियाएं होती है, जो अंशदान लेने का काम होता है, जिसको जमा करने का काम है, तब वो प्रथम लॉटरी में शामिल होते हैं और लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन की प्रक्रिया होती है। तो इस चीज़ों में जो है उनको सतत रूप से जो है निगरानी रखनी होगी। जब दावापत्ति का प्रकाशन होता है उस समय भी उनको अपने दावापत्ति में पात्र हितग्राही हैं या नहीं उसको देखना होगा। ये तमाम प्रक्रियाएं जो हैं बहुत अच्छी प्रक्रियाएं हैं, जो उनके लेकर अधिक जानकारी जो है आपके आवास गुमटी शाखा कक्ष से आपको मिल जाएगी। मेनली जो रहता है वो आपके निवास स्थान से प्राप्त होते हैं वो दस्तावेज रहते हैं, जैसे जो किराएदार में जो रहते हैं उन लोगों के पास में जनरली किरायेनामा होना चाहिए, उसको संलग्न करना होता है और आय को लेके भी जो बातें होती वो रहती हैं, उनको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि कहाँ से क्या है,
और वो सारी डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करनी होंगी। लेकिन गौरतलब है कि महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने आवास आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में आवास आवंटन से संबंधित प्रक्रिया की जा रही है ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमामी हजरात को रमजान शरीफ मुबारक हो और माह रमजान के साथ साथ ईद की भी तहे दिल से भरी मुबारकबाद। और इस माह रमजान के मौके पर आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप सभी माह रमजान का इस्तकबाल करें और उसकी कदर करते हुए खूब इबादत करें, खूब सदका करें, खूब नेकी कमाएं, अच्छे अच्छे काम करें, टीवी देखने से अपना समय बेकार करने से बचें, मोबाइल से बचें और गलत काम करने से बचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेक काम करें, सदका करें और लोगों को खाना खिलाएं, सहरी कराएं, इफ्तारी कराएं और जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी मदद करें। चाहे किसी भी कौम का हो, अपने सभी पड़ोसियों का ख्याल रखें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए अपने देश की शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए दुआएं करें और हमारा भाईचारा कायम रहे इसके लिए दुआएं करें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए ईद भी मनाएं और सौहार्द बनाए रखें। और हमें सभी को रमजान शरीफ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट आपकी सेवा में दिन के 11 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक, और वो भी सप्ताह के सातों दिन। और पूरे परिवार के साथ बेहतर खरीदारी के लिए चले आइए, यहाँ आपके लिए है बहुत कुछ। और जिसके लिए पता तो याद ही होगा जी दोस्तों, सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सूर्या मॉल के सामने खुला मैदान, सूर्या बिहार चौक, भिलाई। सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज, उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन, जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG, अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन, कॉमर्स बायोलॉजी मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रवेश प्रारंभ कैंप 2, गांधी चौक, फोन नंबर 07882960066।
9424124667। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना कीर्ति लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम के वार्ड 11 फरीदनगर वार्ड सहित आसपास के वार्डवासी निगम की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। कई दिनों से क्षेत्र की नालियों की साफ सफाई तक नहीं होने से जहां वार्ड की नालियां बजबजा रही है, वहीं कोहका जुनवानी मार्ग से लगे ईदगाह मैदान के सामने से फरीदनगर जाने वाली मुख्य सड़क की बनी दयनीय हालत निगम प्रशासन के दावे को उल्टा साबित कर रही है। जुनवानी कोहका मार्ग को जोड़ने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क रखरखाव व मरम्मत के अभाव में दम तोड़ चुकी है। ये सड़क पूरी तरह से टूटकर गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। जर्जर सड़क के चलते वाहन चालक व राहगीर आए दिन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। भिलाई शहर को सुंदर, स्वच्छ बनाने, स्मार्ट सिटी बनाने कवायदें तो लाग की जा रही है, विभिन्न वार्डो में विकास भी कराए जा रहे हैं, पर वहीं फरीदनगर वार्ड जिसमें राधिका नगर, कृष्णा नगर शामिल है, इन वार्डों के ऊपर निगम प्रशासन अपनी नजरे इनायत जाने क्यों नहीं करता। हम बता दें कि एक बड़ी आबादी वाले इस क्षेत्र में यदा कदा ही विकास कार्य होते होंगे, ये कहना है यहाँ के नागरिकों का। और विकास की बात छोड़ो, यहाँ की सड़कें ही पूरी दास्तां वार्ड की बयां कर देगी। तो हम जो ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं वो है इमामबाड़ा चौक से ईदगाह चौक होती हुई दुर्ग जुनवानी रोड पहुंच मार्ग का। इस मार्ग की सड़कें आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि ये सड़कें पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ब्रेकर को लेकर जो रहे हैं उसकी भी खूब किरकिरी यहां पर हो रही है। गड्ढेदार जर्जर सड़कों पर दर्जनों ब्रेकर यहां पर चंद कदमों की दूरी पर बना दिए गए हैं। ईदगाह मैदान में एक स्कूल संचालित किया जाता है। छुट्टी के बाद यहां सड़क की दुर्दशा के चलते स्कूली बच्चों के साथ आने जाने वालों को काफी दुर्घटना का भय बना रहता है। ये तो रही खराब जर्जर सड़क की कहानी, वहीं हम देखें तो पूरा फरीदनगर वार्ड जिसमें कृष्णा नगर, राधिका नगर शामिल है, इन क्षेत्रों में गंदगी कचरे का अंबार लगा हुआ है। नालियां या तो यहां निर्मित नहीं की गई है और अगर की भी गई है तो वो कचरों से और गंदगी से अटी पड़ी है, जिनकी सफाई शायद ही कभी होती होगी। क्षेत्रीय लोगों का ये कहना है कि चुनाव के समय विकास सहित सड़क जैसे कई मुद्दों को लेकर और सब्ज बाग दिखाने जनप्रतिनिधि आते तो हैं, पर चुनाव जीतने के बाद वे भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या वायदा किया था। फरीदनगर जो कि मेन रोड कहलाता है, सुपेला से मॉल की तरफ जाता है ये, और काफ़ी तादाद में इसमें गाड़ियां चलती हैं, जिसमें इतने गड्ढे हैं, बारिश में सबके घरों में पानी आती हैं, नाली में ना ही यहाँ साफ सफाई होता है और ना ही कोई बड़ी नाला आगे है उसमें तब्दील किया जाता है कि नालियां बना के यहाँ से पानी निकल जाए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर 10-10 कदम पर ब्रेकर यहाँ बनाया गया है, जो कि नहीं बनना चाहिए। और
रोड की व्यवस्था ऐसी है कि नगर निगम को बोलने से नगर निगम इस पर ध्यान नहीं देता है, और काफ़ी बारिश में तो ये हाल रहते हैं कि औरत बच्चे स्कूल तक के जाना मुश्किल हो जाता है, और बोलने के बाद भी कोई प्रशासन और कोई नेता यहाँ कोई काम नहीं करता है, और सिर्फ वोट मांगने के लिए आ जाते हैं यहाँ। और बहुत बार भी नगर निगम में आवेदन दिया गया है मगर कोई सुनवाई यहाँ नहीं होती है। फरीदनगर में जिस तरीके से आज से 20 साल 25 साल पहले देखा जाता था, 20 25 साल के बावजूद भी यहाँ कोई ना मरम्मत है, ना रोडों का कोई विकास है, ना कोई रोड बनाया गया है, ना नालियाँ जो 25 साल 30 साल हम लोग बच्चे थे तब से बना था, तब से वो बैठी है, वैसे ही ऊपर से पानी बहता है, बच्चे नमाज पढ़ने वाले सब वैसे ही जाते हैं गंदे पानियों से कूद कूद के। हम बस यही चाहते हैं कि सरकार से कि अच्छी व्यवस्था करें, रोड नाली बनाए, हर जगह गली मोहल्ले में दूसरे जगह देखोगे बन चुके हैं, हर जगह विकास हो रहा है मगर फरीदनगर के अंदर कोई विकास नहीं होता है, कोई नेता यहाँ कुछ करने के लिए तैयारी नहीं होता है। चुनाव के टाइम तो हाथ जोड़ जोड़ के घर में आके वोट लेके जाते हैं, बोलते हैं कि बस चिट्ठी पत्री ऐसी आती है, ऐसा ऐसा यहाँ भाषण दे के जाते हैं लोग की जैसे कि कली विकास हो जाएगा, फिर वो 5 साल तक के कोई बात नहीं। ये हमारे सोशी लोगन जो कि पार्षद थी, वो भी इतने दिन पार्षद रहने के बाद भी अपने घर के सामने के रोड की मरम्मत नहीं करवा पाई, देखोगे तो वहाँ से ऊपर से पानी आ जाती है, सब नालियाँ जाम है, कोई कर्मचारी आता तक के नहीं है यहाँ सफाई करने के लिए। दूसरे जगह देखोगे तो गली गली के अंदर सीपर मोहल्ले में तक के साफ सफाई हो रही है मगर फरीदनगर की हालत एकदम बदतर है। हाँ, ये इमामबाड़ा चौक से ईदगाह चौक तक रोड खराब है, गड्ढे बहुत सारे हैं, ये सब बनना चाहिए, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी बरसात आने वाला है, पानी रोड पर लग जाता है, गाड़ियां स्लिप करके गिर रही है, गिरती है, मैं देखा हूँ खुद स्वयं। और ये इधर जो थोड़ा मैदान है यहाँ गड्ढे मलबा उलबा फेंका जा रहा है, ये सब सही होना चाहिए, नहीं ध्यान नहीं दिए वो, और कभी आते भी नहीं है देखने उखने। हम यही चाहते हैं कि भाई यहाँ से पब्लिक आ रही है जा रही है, अच्छे से आए और अच्छे से जाए। फरीदनगर इमामबाड़ा चौक ईदगाह मोहल्ला रोड खराब है, पानी जाम हो जाता है, नाली पास नहीं करता पानी, सड़क में बहुत गड्ढा है भाई, बनना चाहिए अच्छे से। इस बदहाल सड़क के लिए जब हमने क्षेत्रीय पार्षद से जानना चाहा तो शहर के बाहर होने की बात कहते हुए काम जल्द ही करा लेने की बातें कही। फरीदनगर जो इमामबाड़ा चौक है उससे लेकर के ईदगाह चौक और जो जुनवानी पहुंच मार्ग है बहुत ब्रेकर और गड्ढे बहुत है, स्कूल भी वहाँ संचालित मेंटेनेंस कराए थे, रिपेयरिंग कराए थे अपन लोग, लेकिन उसको पूर्ण रूप से बनाने के लिए ना प्रस्ताव बनाए हैं। प्रस्ताव कब तक बनेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति लोगों द्वारा बताई गई है कि सालों से प्रस्ताव बना के भेज दिए हैं, उसका जितना जल्दी पैसा आ जाए शासन से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल जरूरत है निगम प्रशासन अपना दोहरा रवैया छोड़ क्षेत्र की सड़क के साथ संधारण करते हुए क्षेत्र के विकास कार्यों को गति दे, और यही समय की मांग भी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। सोमवार को रसोईया महासंघ ने नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर 2 दिवसीय आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस के अमले ने रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे को उठाकर थाने लेकर आ गई। ऐसा एक बार नहीं दो बार हुआ। इस दौरान पुलिस ने नीलू ओगरे के साथ मारपीट भी की। नीलू ओगरे ने सोशल मीडिया में 2 अलग-अलग वीडियो जारी कर आरोप लगाया है। नीलू ओगरे ने आरोप लगाया है, सोमवार को दिन में महासमुंद पुलिस ने उठाकर लाई और मारपीट कर छोड़ दिया। वही छूटने के बाद जब वह घर पहुंची तो कुछ देर बाद खल्लारी पुलिस उसके घर पहुंची और उसके बाल खींचते हुए थाने लेकर आई। मारपीट भी करते थे और मुला बाल खींच के घर से लेते हुए आए, और जितना भी वीडियो बना रही सब मोर बच्ची है, ओकर मोबाइल ल नगा के डिलीट कर दी सब, और मोबाइल ल जमा करवा थन कह के मोर दोनों बच्ची के मोबाइल ल, मोर छोटे से 13 साल की बच्ची है, वो हम और वीडियो बना रही से बाल खींचे वाला या ये करे वाला, ओकर मोबाइल ल नगा के वीडियो ल डिलीट कर दी। पुलिस वाली दीदी है जो गे रही तेन है, नाम का मोर नहीं पता, काबर की ये मेरे जो नंबर प्लेट रही थे ना नाम प्लेट वो उतार दे हवा, जितना भी मोर तिरन बदतमीजी मारपीट करे थे ओमर नाम प्लेट ल उतार दे हवा, बस मैं ओमर ल सकल से पहचान था, एक दो जन के नाम पता है मोला,
तो मैं ये वीडियो अभी थाना से खल्लारी थाना से भेजा था। ये मोबाइल हम और दूसरा के मोबाइल है, मतलब मैं दो मोबाइल चलाता हूँ, तब भी मोला इसे कोई परेशानी होते था। तो ये मोर मोबाइल नगाले है, दूसरा मोर मोबाइल है तेला में मोर पर्स मेरी से, तो ये वीडियो ला मैं जारी करता हूँ। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।